हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल यू बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर ट्वेंटी सेवन्थ ऑफ फरवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी फोर फरवरी दो हज़ार चौबीस का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले सबसे पहले आज के सवाल देखेंगे उससे भी पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो आप लोग पता नहीं लाइक क्यों नहीं करते हैं मतलब क्या कमी है वीडियोस में वो नहीं बताते लाइक भी नहीं करते हैं। अगर हज़ार लोग देख रहे हैं तो हज़ार लाइक तो आने चाहिए ना सो दैट इज़ वॉट आई एक्सपेक्ट फ्राम योर साइड साथ ही जिनको लगता है कि उनका करंट अफेयर्स या फिर सी सैट पार्ट वीक है फॉर दिस ईयर्स एग्जामेशन वो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे सी सैट एंड करेंट अफेयर्स कोर्स को नीचे डिस्क्रिप्शन का उनमें लिंक है आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं दो सवाल हैं पहला सवाल है रायसिना डायलॉग के ऊपर हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं पहला स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे लिखा है The first edition of the Raisina dialogue was held in 2016 and had since become India's premier forum for discussing global issues. This statement hai, the Ministry of External Affairs of India, in collaboration with an independent think tank, conducts this. Tisra hai a statement hai, the, new, the 2023 edition of the dialogue lacked representation from South America, Southeast Asia, and the Nordic and Baltic countries. है ना लीडिंग टू अ लिमिटेड स्कोप ऑफ व्यू पॉइंट ये 2024 कर देना इसको दिस इज 2024 एडिशन तो आपको बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो लेट मी टेल यू द आंसर नाउ द आंसर फॉर दिस इज ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तीसरा स्टेटमेंट गलत है अगर आपको याद हो तो मैंने आपको भी दो तीन दिन पहले ही एक एडिटोरियल पढ़ाया था जिसमें एन बी एट यानी कि नॉर्ट डिक बाटिक कंट्रीज एट के बारे में बताया था है ना तो वहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा रहा है दूसरे सवाल पे आते हैं दूसरा सवाल है हंगरी एक्चुअली रिसेंटली स्वीडन की नेटो मेंबरशिप को रेटिफाई नहीं कर रहा था तो आपको उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है पहला स्टेटमेंट कह रहा है हंगरीज अप्रूवल मार्क्स द फाइनल स्टेप फॉर स्वीडन टू ज्वाइन नेटो इंक्रीजिंग द अलायंस टोटल मेंबरशिप टू थर्टी टू कंट्रीज दूसरा कह रहा है हंगरी ओरिजिनली ऑब्जेक्टेड टू स्वीडन मेंबरशिप ड्यू टू इट्स क्लोज टाइज विद रशिया बट अल्टीमेटली अप्रूव्ड इट आफ्टर ई यू लिफ्ट सेंशन ऑन हंगरी तीसरा कह रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑर्बन विच इज़ हु इज़ अ क्लोज एलाय ऑफ प्रेसिडेंट प्युन हैज कंसिस्टेंटली अपोज स्वीडन मेंबरशिप साइटिंग कंसर्स अबाउट इट्स डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसज अब आपको इसमें बताना है कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट ऑल थ्री नन तो इसका देखो जो करेक्ट आंसर है वो है केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है पहला वाला ठीक है ना क्योंकि पहले तीस मेंबर थे फिर फिनलैंड आया तो इकतीस हुए अब स्वीडन आ जाएगा तो बत्तीस हो जाएंगे ठीक है दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है क्योंकि कहीं ई यू ने सेंक्शंस लगाए ही नहीं थे हंगरी में तो इसलिए इसमें जो लिखा है ई यू लिफ्टेड सेंक्शंस ऑन हंगरी ये इसलिए ज्वाइन कर लिया गलत है तीसरा भी गलत है क्यों क्योंकि कंसिस्टेंटली अपोज लिखा है नहीं पहले अपोज किया था लेकिन बाद में फिर एक्सेप्ट किया तभी तो हटाया ना रेटिफाई तभी तो किया तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन स्टेटमेंट इज करेक्ट आई होप यू गॉट क्लैरिटी कुछ नया सीखने को मिला होगा आगे मूव करते हैं आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ आते हैं तो जो फ्रंट पेज की न्यूज़ है वो भी यही है स्वीडन टू जॉइन नेटो एज हंगरी रेटिफाइज द बिट तो मैं वही चीज़ आपके ऊपर बता देता हूँ कि हंगरी जो है उसने अप्रूव कर दिया है स्वीडन का बिड टू जॉइन द नेटो और ये लास्ट हर्डल था फॉर इट्स मेम्बरशिप स्वीडन एंड फिनलैंड ने अप्लाई किया था 2022 मई में, में रशिया के यूक्रेन इनविजन के बाद फिनलैंड की मेंबरशिप अप्रैल 2023 में अप्रूव हो गई थी स्वीडन की डिले हो गई थी ड्यू टू ऑब्जेक्शन फ्रॉम टर्की पहले वो रिजॉल्व हुआ उसके बाद फिर हंगरी फिर अब वो रिजॉल्व हो गया ठीक है ना आ, यहाँ पे हंगरी के डिले का कारण मैंने बता दिया है हालांकि आपको प्राइम मिनिस्टर ऑर्बन जो है इज अ नेशनलिस्ट फिगर विद टाइज टू रशिया इनिशियली अपोज स्वीडन बिड साइटिंग क्रिटिसिज्म फॉर ऑफ हंगरीज डेमोक्रेसी बाय स्वीडन एज अ रीजन इनिशियली अपोज जैसे वो क्वेश्चन जो मैंने पूछा उसमें कंसिस्टेंटली अपोज लिख दिया था इनिशियली अपोज लेकिन बाद में uh, हंगरी की सॉवरन एंड इन सब के ऊपर उन्होंने उसको अप्रूवल दे दिया ठीक है ना आउटकम क्या होगा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो टोटल मेंबरशिप हो जाएगी वो बत्तीस हो जाएगी है ना एंड स्वीडन की मेंबरशिप फिनलैंड की मेंबरशिप काफ़ी ज़्यादा नेटो को एक्सपैंड कर देगा विद बॉर्डर्स विद रशिया एंड जो गोल था मैं व्लादिमिर पुतिन का कि uh, रशिया के बैकयार्ड तक नेटो ना आना चाहिए तो अब तो बैकयार्ड तक आ चुका है ठीक है ना इसके अलावा कुछ और डिटेल्स आपको दे कि जो नेटो का फॉर्मेशन हुआ था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो फोर्थ अप्रैल 1949 को हुआ था और नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी साइन हुई थी जिसको वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है मेंबरशिप के बारे में मैंने आपको बता दिया है ये है नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड तो स्वीडन और फिनलैंड आप देख सकते हैं हाउ दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर और फिनलैंड जो है रशिया से डायरेक्ट बॉर्डर शेयर करता है ये भी आपको पता होगा ठीक है ना सो दैट इज अगेन अ थिंग विच इज देयर आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड ये नॉर्डिक कंट्रीज कहलाती हैं दीज कंट्रीज आर द नॉर्डिक कंट्रीज तो ये भी आपको याद रखना है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट अब एक न्यूज़ ये हिंदू में आज नहीं आई है लेकिन आपको बता दूँ एक ए आई मॉडल बनाया गया है फॉर फॉर कैलकुलेटिंग द जस्टेशनल एज एस्टिमेशन ठीक है ना तो अभी एक्चुअली एग्जिस्टिंग जो मॉडल बहुत अच्छी न्यूज है ये प्रॉब्लम क्या थी वो बताता हूँ प्रॉब्लम ये थी कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल हैं एस्टिमेशन के फॉर जस्टेशनल एज वो सारे वेस्टर्न पॉपुलेशन मॉडल हैं दे आर ऑल वेस्टर्न पॉपुलेशन मेथड्स एंड मॉडल्स अब दिक्कत क्या होती है कि वेस्टर्न पॉपुलेशन जो हैती है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट फीटल एज में अलग होता है कैसे अलग होता है क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट अलग है वहाँ के क्लाइमेट अलग है एवरीथिंग इज़ डिफरेंट वो कोल्ड टेम्परेड कंट्रीज़ हैं हम कहाँ पर हैं हम ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में आते हैं ठीक है ना तो दोनों की ग्रोथ वेरिएशन बहुत ज़्यादा हैं इसी कारण से जो रिसर्चर्स हैं आई मद्रास के और टी अब ये टी एच एस टी आई क्या है तो टी एच एस टी आई का फॉर्म देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने लिख दिया था हालांकि ट्र, ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो आता है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ठीक है ना तो इन दोनों ने मिलकर के एक गर्भिणी जी ए टू बनाया है ए आई मॉडल है गर्भिणी जी ए टू करके स्पेसिफिकली फॉर इंडियन पॉपुलेशन इससे क्या होगा कि जो गर्भिनी जी ए टू है इट रिड्यूसेज द जस्टेशनल एज एस्टिमेशन एरर तो जस्टेशनल एज जो प्रेगनेंसी के पहले निकाली जाती है ना उसको उसमें जो एरर्स आते थे उनको कम कर दिएगा क्योंकि ये इंडिया के ग्रोथ पैरामीटर्स के हिसाब से है ना एंड इट इट इज़ यूज फॉर द इंडियन पॉपुल इट विल बी यूज फॉर द इंडियन पॉपुलेशन मोर रिलाएबल रिजल्ट विल बी देयर है ना तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दट एजर ये भी आपको समझ में आ गया होगा आगे आप बिल्कुल मेरे साथ मूव कर सकते हैं देखते हो और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं तो यू कैन मूव अहेड विद मी यहाँ पे थोड़ा हम लास्ट से देखते हैं फिर दो मेन न्यूज़ आइटम देख लिया दो क्वेश्चन देख लिए हमने यहाँ पे एक एक, एक यहाँ पर है ये मरकोसर के बारे में था तो मरकोसर का नाम आया था हालांकि इस आर्टिकल में है कि, कि किस तरीके से जर्मनी जो है वो एक तरीके से बहुत सारी चीज़ें ई की ब्लॉक कर रहा है है ना यू के अंदर टेंशन आ रहे हैं क्योंकि जर्मनी इज़ कॉजिंग ग्रोइंग कॉन्स्टर्नेशनस है ना तो यहाँ पर देखो लेगा डिसग्रीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा जर्मनी कॉज कर रहा है इसी कारण से जो ई है उसमें ना कोई डील हो पा रही है ना कुछ हो पा रही है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ई और मरकोसर की डील है जो कि होल्ड में है बिकॉज ऑफ़ द ऑब्जेक्शन ऑफ़ द यूरोपियन कैपिटल्स तो यहाँ पर मरकोसर के बारे में अपन देख लेते हैं मरकोसर सेटअप हुआ था 1991 में एक तो ये पता रखना कि 1991 में मरकोसर बना था और बनाया किसने था अर्जेंटीना ब्राज़ील पैरागुए रुगवे ये चार कंट्रीज याद रखेगा ट्रिटी ऑफ असेंशियन याद रखेगा ठीक है ना तो 1991 में बना था मरकोसर अर्जेंटीना ब्राज़ील पैरागुए रुगवे ठीक है ए बी यू पी ए बी यू पी याद रखना ट्रिटी ऑफ असेंशियन याद रखना फिर 1994 ट्रिटी ऑफ औरोपरेटो हुआ था जिसमें एक और वाइडर इसमें इस इंटरनेशनल स्टेटस मिला इसको जब एक कस्टम यूनियन फॉर्मलाइज़ किया औरोप्रेटो के द्वारा इसी मरकोसर ग्रुप ने एक कस्टम यूनियन बना लिया ठीक है ना फिर ब्राज़ील अर्जेंटीना जो है दे आर मरकोसर्स इकोनॉमिक जाइंट्स इसके अलावा बोलीविया चिली कोलंबिया इक्वाडोर एंड पेरू बोलीविया चिली कोलंबिया इक्वाडोर एंड पेरू दे आर एसोसिएट मेम्बर्स ऑफ दिस दे कैन ज्वाइन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बट दे आर आउटसाइड द कस्टम यूनियन ठीक है ना कस्टम यूनियन के बाहर है हालांकि ये यहाँ पे इनका एफ टी ए ज्वाइन कर सकते हैं आगे मूव करते हैं यहाँ पे देखो गवर्नमेंट कंक्लूड्स जी सेक बोइंगशियल फाइनेंशियल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे दो टर्म्स आए हैं देखो एक है ट्रेजरी बिल और एक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी दोनों में आपको डिफरेंस बता देता हूँ जो ट्रेजरी बिल होता है ना वो शॉर्ट टर्म बोइइंग के लिए होता है शॉर्ट टर्म में अगर बोरइंग करनी है अब शॉर्ट टर्म की बोइंग मतलब कि तीन टेनर्स हैं प्रेजेंटली नाइन्टी वन डेज वन एट्टी टू डेज एंड थ्री सिक्सटी फोर डेज या तो इक्यानवे दिनों के लिए बोरिंग होती है या एक सौ बयासी दिनों के लिए उसका डबल कर दो और उसका डबल कर दो तीन सौ चौसठ दिनों के लिए ठीक है शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है एक साल के अंदर के लिए होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ठीक है ना एंड uh, तीन टेनर्स मैंने टनर्स एन थ्री सिक्सटी फोर एंड ये जीरो कूपन सिक्योरिटीज़ होते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं पे होता है इसमें मतलब कि अब आप ये सोचेंगे कि जैसे सर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता तो इसको खरीदेगा कौन एक्चुअली खरीदने का कारण क्या है कि ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई गवर्नमेंट बॉन्ड एक हजार रुपए का है ठीक है ना लेकिन जब आप एक हजार रुपये का बॉन्ड खरीदोगे तो आप केवल नौ सौ रुपये ही पे करोगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगा वो उसमें कोई अलग से इंटरेस्ट नहीं है आपने नौ सौ रुपये दे दिए आपको हजार रुपये का आ, ट्रेजरी बिल मिल गया ठीक है ना अब जब आप एक साल के बाद उसको रिटर्न करोगे ना तो आपको हज़ार रुपये पूरे वापस मिलेंगे तो जो डिस्काउंट होता है वही आपका प्रॉफिट बन जाता है इसीलिए ये जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन डिस्काउंट जो होता है वो आपका प्रॉफिट होता है ठीक है ना इसी तरीके से जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग गवर्नमेंट की वो जी सेक यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू होती है इसके बारे में मैंने आपको सेपरेटली काफी पढ़ाया है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का नाम आपने सुना होगा ओएमओ जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती और खरीदती है है ना ये इन्फ्लेशन के टाइम पर भी, भी होता है ओ एम प्लस जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तब भी होते हैं ठीक है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग बोथ ऑफ दिस कंसे तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है नेटो की जो प्रेजेंस है इन द बाल्टिक रीजन और नियर नियर रशिया वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है अगला टॉपिक है बिटकॉइन हाल्विंग हा, हाफ़ यानी बिटकॉइन हाल्विंग लिखा है हा, क्या बोलते हैं कैसे पढ़ेंगे इसको ये नहीं होता आ, हाफ तो मुझे समझ में आ गया इसको हेलविंग हाल्विंग ही पढ़ूंगा मैं तो तो बिटकॉइन हेलविंग है तो देख लेते हैं क्या होता है बिटकॉइन कॉइन हेल्विंग क्या होता है तो इट्स अ वेरी गुड कन्सेप्ट बहुत अच्छा कन्सेप्ट है अब कोई चीज़ समझना मैं आपको बहुत सरल एग्जाम्पल में बताऊँगा बहुत कठिन भाषा लिखी है वहाँ पर मैं आपको बहुत सरल भाषा में बताऊँगा भाषा ये है कि सपोज़ करो कोई चीज़ बहुत प्रीशियस है अब आप बताओ मुझे कि वो कब तक प्रीशियस रहेगी वो तब तक प्रीशियस रहेगी जब तक कि उसकी क्वांटिटी कम है है ना अगर उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो फिर बिल्कुल पानी जैसा हो जाएगा कि पानी इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है और डायमंड लाइफ के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन क्वांटिटी इतनी कम है कि महंगा आता है इसको डायमंड पैराडॉक्स भी कहा जाता है मैडम ने इसका वीडियो भी बनाया था शॉर्ट्स में है ना तो अब जैसे ये होता है ना वैसे बिटकॉइन है बिटकॉइन क्या होता है माइनिंग से मिलता है है ना जैसे डायमंड और गोल्ड की माइनिंग होती है ना वैसे ही बिटकॉइन की माइनिंग होती है अब बिट की जो माइनिंग करते हैं ना उनको एक रिवार्ड मिलता है रिवॉर्ड में भी बिटकॉइन ही मिलते हैं उनको ठीक है ना तो जैसे एक पज़ल सॉल्व कर ली किसी बिटकॉइन माइनर ने तो जैसे ही वो पजल सॉल्व कर ली तो उसको एक रिवॉर्ड मिला एक बिटकॉइन दो बिटकॉइन ठीक है तो बिटकॉइन कॉइन इज एक्चुअली द हाफ ऑफ द रिवॉर्ड्स विल बी गिवन नाउ है ना ये हर चार साल में लगभग होता है एक बार एंड इसमें क्या होता है रिवॉर्ड जो होते हैं वो हाफ हो जाते हैं अच्छा आप देखो रिवॉर्ड अगर हाफ हो जाएंगे तो बिटकॉइन जो माइनर्स हैं उनका इंटरेस्ट कम हो जाएगा वो कहेंगे यार कि अभी क्यों माइन करें जब रिवॉर्ड हाफ नहीं रहेंगे तब रिव... तब माइनिंग करेंगे है ना ताकि हमको पूरा पूरा मिले उसका बेनिफिट तो इससे क्या एडवांटेज होता है कि बिटकॉइन हल्विंग से जो एक रेस लगी ना बिटकॉइन को माइन करने में वो थोड़ा स्लो हो जाती है और इसीलिए जो क्वांटिटी है वो थोड़ा कम हो जाती है बिटकॉइंस की ठीक है ना तो जब क्वांटिटी कम हो जाएगी या उसकी माइनिंग थोड़ा स्लो हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है इससे क्या बेनिफिट मिलेगा इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि उसकी जो प्राइस है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ी हुई रहेगी है ना और उसका वैल्यू बढ़ा रहेगा दैट इज वॉट इज द थिंग जो कि बिटकॉइन हेल्विंग के थ्रू अचीव की जाती है आई होप यू गॉट क्लैरिटी बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट बताया है याद रखिएगा इसको एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं एडिटोरियल में याद लिखा है ड्रॉप द गार्लैंड मॉडल टू लेट साइंस इन इंडिया ब्लॉसम ठीक है ना तो अब यह क्या है गारलैंड मॉडल मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि तो यहाँ पे लिखा है ड्रॉप द गार्लैंड मॉडल टू लेट साइंस इन इंडिया ब्लॉसम ठीक है अब होता क्या है इंडिया में साइंटिफिक मीटिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्च है ना ऑब्वियसली बात है जो एडिटोरियल में पॉइंट उठाया गया है वो ये उठाया गया कि जो साइंटिफिक मीटिंग्स होती हैं मीटिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिसर्चर्स क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे शेयर देयर वर्क दे शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं बट इंडिया में ये जो अप्रोच है ये बहुत ही गलत है क्यों क्योंकि इंडिया में आउटडेटेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती हैं इन मीटिंग्स में फॉर एग्जांपल ब्यूरोक्रेसी डोमिनेटेड रहता है पहली चीज़ तो ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट डोमिनेट करती है दूसरी चीज़ जो ऑथर ने बोली वो है गारलैंडिंग गारलैंडिंग मतलब कि इंडिया में अगर आप देखो तो कोई भी मीटिंग होती है तो पहले फूल माला से स्वागत होता है फिर उसका डिग्नेटरी का वेट किया जाता है जब तक डिग्नेट्री नहीं आता तब तक, तक साइंस का कोई डिस्कशन नहीं होता है इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो आ, हमारे यहाँ पहले आरती होगी फिर पूजा होगी फिर दीप दीप प्रज्ज्वलन किया जाएगा तो ऑथर ने कहा कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइन साइंस का टाइम ले रही तरीके से एंड दिस इज़ नॉट हाउ द साइंटिफिक मीटिंग शुड गो ऑन है ना फोकसिंग ऑन द रिलीजन स्पेसिफिक

इसीलिए उन्होंने नो, नो गार्लैंड न्यूरो साइंस का एक्जाम्पल दिया है विच इज़ अ मीटिंग जिसमें कोई गारलैंड यह सब रिजेक्शन ऑफ दीज प्रैक्टिस विच इज़ अ सिम्बॉलिक रिजेक्शन ऑफ दीज प्रैक्टिसेज तो ये ऑथर ने यहाँ पर सजेस्ट किया है इससे जो है साइंस के फोकस जो डिस्कशन है वो बढ़ पाएगा जेंडर स्पेसिफिक डिस्कशन बढ़ पाएंगे और ज़्यादा इंक्लूसिव हो पाएगा तो ऑथर ने यही चीज़ यहाँ पे इस एडिटोरियल में बताई है आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल ठीक है so that is it for the day friends i hope you liked our video please do like share and subscribe keep loving us keep sharing us thank you have a nice day